आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है। अगर आपके घर पे रोटी रखी है बट आपको सब्जी बनाने का आलस आ रहा है तो इसे आप तुरंत एक मिनट में बना के खा सकते हो। और अगर आप बैचलर हो, घर से बाहर रहते हो और टिफिन में सब्जी अच्छी नहीं आ रही है तो भी आप इसको तुरंत बना के खा सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज का टमाटर, थोड़ी से धनिया के पत्ते और एक मीडियम साइज का प्याज। तो अभी हम इन सभी चीजों को कट कर लेंगे। प्याज और टमाटर को हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। मैं खुद भी जब पढ़ाई के लिए बाहर रहती थी और टिफिन में सब्जी अच्छी नहीं आती थी तभी मैं ये रेसिपी बनाती थी हमेशा, और मुझे एटलीस्ट लगता था हाँ मैंने घर का खाना खाया। तो इन सब चीजों के लिए हमें ना गैस की जरूरत है ना कुछ, बस रोटी लीजिए, इसे कट कर दीजिए और बना दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगता है और आपको लगेगा यार हमने आज घर का खाना खाया। तो ये देखिए, आपके साथ बात करते करते मैंने सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कट कर लिया है। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो रोटी ली है। इस रेसिपी के लिए ताजी रोटी या बासी रोटी, कोई भी रोटी आप इस रेसिपी के लिए ले सकते हो। तो इस रोटी को हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अगर आप बाहर रहते हो और अगर आपके पास मिक्सी का जार नहीं है तो आप इसे हाथ से भी बारीक कर सकते हो। तो आगे बताऊंगी मैं आपको कि आप इसे हाथ से एकदम बारीक कैसे कर सकते हो। तो ये देखिए, हाथ में थोड़े से रोटी के टुकड़े लीजिए और इसे अच्छे से क्रश कीजिए और इसे छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। आप इस तरीके से भी रोटी को बारीक कर सकते हो। तो मैं अभी घर पे हूँ तो मैं मिक्सी का जार यूज करूंगी। सभी रोटी के टुकड़े मैं एक मिक्सी के जार में डाल दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या इससे पहले आपने ये रेसिपी बना के खाई है। अगर आपने ये रेसिपी खाई है तो यस लिखिए, अगर आपने ये रेसिपी नहीं खाई है तो नो लिखिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये देखिए, मैंने रोटी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। रोटी को हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है कुछ इस तरीके से। आपको मिक्सर को एकदम से नहीं चलाना है, नहीं तो रोटी जो है बहुत बारीक हो जाएगी। मिक्सी को आपको थोड़ी देर चलाना है, बंद कर देना है और एक बार रोटी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर से सेम तरीके से करना है, ऐसे आपको दो तीन बार करना है, ऐसे आपकी तुरंत रोटी बारीक हो जाएगी। इसके बाद मैं एक बाउल लूंगी और इन सभी रोटी के टुकड़े को मैं एक बाउल में डाल दूंगी और जिन सभी चीजों का हमने शुरुआत में कट किया था वो सभी चीजें हम इसमें डाल देंगे। कटे हुए टमाटर, प्याज डाल दिया है मैंने यहाँ पे और ऊपर से थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे। और अभी हम इसमें पीसे मसाले डालेंगे। तो इसमें हम एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे। स्पाइसी आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें 3 चम्मच कच्चा तेल डाल देंगे। और अगर आपको कच्चा तेल खाना पसंद नहीं है तो तेल को आप गर्म करके भी डाल सकते हो। तो अभी हम इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हो बट मैं इसे हाथ से मिक्स करूंगी ताकि जो पीसे मसाले है वो सभी चीजों को अच्छे से लग जाए। और इसे हम हल्का हल्का प्रेस करके मिक्स करेंगे ताकि जो टमाटर का जूस हो वो सभी रोटी को अच्छे से लगे। तो ये देखिए, हमारी बढ़िया डिश बनके तैयार है। ये डिश खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है। तो प्लीज इसे एक बार इस तरीके से जरूर बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज फॉलो करना शुरू कर दीजिए, वहाँ पे मैं डेली एक्टिव रहती हूँ। और मैं मिलूंगी आपको एक नए रेसिपी के साथ।